हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो देखिए, श्रीलंका मूव टुवर्ड्स आरसीईपी, बांग्लादेश इन क्यू। तो सबसे पहले एक बार हम लोग श्रीलंका और बांग्लादेश का लोकेशन देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा भारत है, ये भारत है, ये श्रीलंका हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। तो ये दोनों किसके तरफ मूव हो रहे हैं, जैसा हमने आर्टिकल में देखा। ये आप देखिए, जस्ट अ सेकेंड, ये एक अपना बांग्लादेश रहा, ठीक है? नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, ठीक है। और ये अपना अंडा श्रीलंका, श्रीलंका, और ये है अपना बांग्लादेश। कहाँ जा रहे हैं ये दोनों एक साथ? आरसीईपी। अब देखते हैं क्या है। और ये क्या है? ये है अपना प्यारा भारत, और ये बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। 4 years after India walked out of the regional comprehensive economic partnership RCEP, इंडिया यहां से निकल चुका है एग्रीमेंट। नेबर्स श्रीलंका एंड बांग्लादेश आर नाउ कंसिडरिंग देयर चांसेस ऑफ मेंबरशिप इन द 15 नेशन ट्रेडिंग ब्लॉक। तो ये लोग अभी इसमें 15 नेशन ट्रेडिंग ब्लॉक है, इंडिया निकल चुका है और ये जाना चाह रहे हैं। श्रीलंका इज ऑलरेडी अप्लाई टू ज्वाइन द आरसीईपी। प्रेसिडेंट रनिल, इन्होंने, इनका क्या नाम है, विक्रमा सिंघे, रनिल विक्रमा सिंघे, हु बिगिंस विजिट टू चाइना फॉर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम ऑन संडे, इज एक्सपेक्टेड टू सीक सपोर्ट फ्रॉम हिज कंट्रीज कैंडिडेसी इन मीटिंग विद द लीडर्स हेयर। तो BRI में ये वहां पे जाके सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को और बोल रहे हैं आरसीईपी में ले लो हमें। द बांग्लादेश गवर्नमेंट हुज कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज रिकमेंडेड ज्वाइनिंग द आरसीईपी इज एक्सपेक्टेड टू टेक फाइनल डिसीजन ओनली आफ्टर द इलेक्शंस आर हेल्ड देयर इन जनवरी 2024, फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन सेड। तो वहां पे भी बांग्लादेश में भी बात हो रही है कि भाई आरसीईपी ज्वाइन कर लो। द श्रीलंकन प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट कन्फर्म द गवर्नमेंट्स एप्लीकेशन फॉर द आरसीईपी मेंबरशिप इन एन ऑगस्ट स्टेटमेंट सेइंग दैट इट हैज रिकॉग्नाइज्ड द पोटेंशियल ऑफ द वास्ट ट्रेड ब्लॉक कंप्रेजिंग मेजर इकोनॉमीज लाइक चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, एंड इज गवर्नमेंट नेगोशिएट विद द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF एंड अदर क्रिएटर्स फॉर लोन टू टाइड ओवर द फाइनेंशियल क्राइसिस। मिस्टर विक्रम सिंघे हैज मूव्ड मोर पर्पसफुली टूवर्ड्स द आरसीईपी मेंबरशिप। तो भाई IMF से इनको पैसा भी चाहिए तो बोल रहे हैं आरसीईपी में हमें ज्वाइन कर लो। दो बायलेटरल मीटिंग्स ही इज सीकिंग सपोर्ट फॉर अ मूव फ्रॉम मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान एंड थाईलैंड इज अनलाइकली टू रेज द इशू इन हिज मीटिंग इन बीजिंग एज वेल। तो वहां पे शायद इसके बारे में वो लोग बात ना करें। देर हैव बीन सम प्रोग्रेस एंड डिस्कशन टूवर्ड्स ज्वाइनिंग आरसीईपी बट वी हैवेंट मेड एन एप्लीकेशन येट। अभी तो बात हो रही है पर हमने अभी ज्वाइन नहीं किया है। आर जनरल प्रिंसिपल इज नॉट टू ज्वाइन एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन और अग्रीमेंट अंटिल आफ्टर द इलेक्शन मैंडेट, मिस्टर मोमेंट सेड इन इंटरव्यू। तो ये आपकी बात हो रही है बांग्लादेश की, हम करना तो चाह रहे पर अभी हमने उसके ऊपर बात नहीं की और इलेक्शन के बाद करेंगे। ये एक्सप्लेन दैट दिस इज वाई बांग्लादेश हैज नॉट येट परवर्ड दी आरसीईपी मेंबरशिप और दैट द ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स अर्लियर दिस ईयर। और इसीलिए उन्होंने ना ही आरसीईपी में अपना डाला है और ना ही ब्रिक्स में डाला है। इलेक्शन हो जाएगा तब डालेंगे। ये किसकी बात हो रही है? बांग्लादेश की। बोथ कंट्रीज आर ऑल्सो इन टॉक विद इंडिया फॉर अपडेटेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड आर पार्ट ऑफ द 2006 साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट SAFTA। हाउएवर दे रिकॉग्नाइज दैट ज्वाइनिंग द आरसीईपी वुड टेक देम टू दी ऑर्बिट ऑफ सब कॉन्टिनेंटल ट्रेड एंड इनेबल एक्सेस टू दी एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान का भी उनको एक्सेस मिल जाएगा। ग्रुप डेट कॉम्प्राइजेस चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। एट प्रेजेंट द आरसीपी मेंबर्स रिप्रेजेंट 30% ऑफ द ग्लोबल GDP। इनफैक्ट इट इज फर्स्ट सच एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग बिग एशियन इकोनॉमीज। द फाइनल आरसीपी डॉक्यूमेंट सेड दैट द 15 कंट्रीज वुड एम टू एलिमिनेट अप टू 90% ऑफ द टैरिफ इम्पोज ऑन गुड ट्रेडेड विद इन द ब्लॉक विद इन 20 ईयर्स। तो 90% टैरिफ ये लोग जो आपस में लगाते हैं 20 साल में उसको खत्म कर देंगे टैरिफ को। तो मतलब एक तरीके से फ्री ट्रेड पूरा इधर उधर चलेगा इनका।
rethink the decision. External Affairs Minister official did not respond to request for the comment on the whether India would reconsider its joining to pull out the RCEP talk as Sri Lanka and Bangladesh makes plan to join. A senior government official dealing with international trade said if India's neighbors joined the RCEP, it would be a development of concern. तो ये concern की बात हो जाएगी हमारे लिए. Citing the opening up of market in India's vicinity to a group dominated by Chinese trade and the possibility that those markets may become more globally competitive than India's. तो वहाँ पे चाइना पूरा अच्छे से वहाँ पे एंटर कर जाएगा अपने गुड्स, सस्ते गुड्स लेकर के, और जो उनके गुड्स ट्रेड्स हो जाएंगे वो इंडिया के कंपैरिजन में ग्लोबली कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे. कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या हो गया, सस्ते हो जाएंगे. अगर उनके ज़्यादा सस्ते हो गए, हमारे कम सस्ते रहे, तो लोग ऑब्वियसली सस्ते चीज़ों को खरीदेंगे. पैसे के पीछे तो दुनिया ही पागल है, अपना पैसा बचाएंगे. तो वही है, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस उनकी बढ़ जाएगी, हमारी कम हो जाएगी. While India was a former member of RCEP grouping, Prime Minister Narendra Modi announced that India would pull out from the talks in 2019, owing concern over the mobility in the services and fear of Chinese goods flooding in the market. Chinese group flooding in the market, as well as objection raised by the domestic agriculture sector and small business. अब देखिए, domestically जो market था उनका concern raise हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने 2019 ने आरसीईपी से अपने आप को पुल आउट कर लिया. वाइल इंडिया हैज बीन इनवाइटेड टू रिटर्न टू आरसीईपी मीटिंग ऑन सेवरल ओकेजंस, द गवर्नमेंट हैज नॉट येट इंडिकेटेड इट वुड कंसीडर इट फॉर अ रिव्यू. तो अभी इंडिया को इनविटेशन तो दिया गया, पर इंडिया बोल रहा नहीं भाई हम नहीं आएंगे, मतलब कुछ नहीं बोला है, कंसिडर ही नहीं किया. श्रीलंका एंड बांग्लादेश हैव एडिशनल रीजंस फॉर अ मूव अवे फ्रॉम द मोर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी इन बोथ कंट्रीज. तो उनका अपना पर्सनल रीजन है, क्या है देखते हैं. ड्यूरिंग द क्राइसिस इन श्रीलंका आई थिंक वी लर्न दैट रीजनल मार्केट्स आर द की. श्रीलंका हैज मिस्ड द बोट ऑन अदर रीजनल ग्रुपिंग एंड एफटीएज इन द पास्ट. तो अदर रीजनल ग्रुपिंग में श्रीलंका इतना एक्टिव नहीं है, और एफटीएज जो पास्ट में हुआ है उसमें भी श्रीलंका नहीं है. आई होप ज्वाइनिंग आरसीईपी एंड अदर एफटीएज विल हेल्प अस स्प्रेड आवर मार्केट एंड फ्रेंकली spread our market and frankly think it will force us to become more competitive with international player. तो यहाँ पे इनका ये thinking है कि भाई हमने तो पहले FTA भी नहीं किया, हम तो पहले किसी regional grouping में भी नहीं है, हमारी वो तो train boat में सो चुकी है, तो अब हम इसमें join करके अपने आप को globally competitive बनाएंगे international players के साथ. Explain Kasturi Chelaraja Wilson, CEO of Sri Lanka's Hemas Group, the island's biggest FMCG and healthcare company. She was speaking to a group of South Asian diplomats, economists and the editor in Colombo, attending the One South Asia conference organized by the World Bank. ठीक है? Mean ये हमारे लिए important हो जाता है, कौन सा conference है, कौन organize करवाता है. Meanwhile, Bangladesh is expected to graduate from its list to least developed countries by November 2026 and will lose preferential access to global markets. With the recent paper estimated that the exports earning could drop by 14% and average tariff could increase by 9%. तो अब देखिए, earning इतना कम हो सकता है और tariff इतना बढ़ सकता है. तो देखें तो इनका थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान पैसे के terms में होगा. According to the Business Standard, a Bangladeshi newspaper, its commerce ministry proposal said that joining the RCEP could increase Bangladesh exports by $5 billion. तो इसका एक्सपोर्ट इतना बढ़ सकता है. एज बांग्लादेश इज ऑलरेडी नेगोशिएटिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द 6 ऑफ द 15 आरसीईपी कंट्रीज, जॉइनिंग द ग्रुप ग्रुपिंग वुड सिंप्लीफाई द प्रोसेस, द प्रपोजल एडेड. तो इन्होंने बोला कि आरसीईपी में 15 लोग हैं, 15 कंट्रीज है, उसमें से 6 के साथ तो बांग्लादेश का ऑलरेडी एफटीए चल रहा है, और ये ज्वाइन करने के बाद इनका $5 बिलियन का ट्रेड एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा. अब इसमें हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, चलिए देखते हैं. देखिए, सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन सा चलेगा, आरसीईपी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. ठीक है, इसमें क्यों, व्हाई इंडिया लेफ्ट, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. सेकंड, चाइनाज डोमिनेंस
इन RCEP। और इसमें एक और चीज़, ये है क्या, वॉट इज इट, ये है क्या। थर्ड, आप देखिए इंडिया क्यों लिफ्ट कर गया, चाइना का डोमिनेंस क्या है, श्रीलंका प्लस बांग्लादेश ज्वाइन क्यों करना चाह रहे, वाई, इनको क्या बेनिफिट होगा, और इनके ज्वाइन करने का जो है उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ये तो सारी चीज़ें हमें इसके बारे में पता करनी है। अब आप देखिए RCEP हो गया, इसके 15 नेशंस जो है वो हमें पता चलने चाहिए, ठीक है। RCEP के साथ हमें ये चीज़ पता, अब देखिए ये वन साउथ एशिया, ये वर्ल्ड बैंक ने कराया, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बोलेंगे कौन करवाता है तो वर्ल्ड बैंक करवाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कुछ और ग्रुपिंग्स के यहाँ पे नाम लिए गए हैं, जैसे एक मैं बोल रहा हूँ ब्रिक्स, ठीक है, सेकंड में बोल रहा हूँ आपका ये आपका SAFTA, ये आपका देखिए साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, थर्ड आपका FTA क्या होता है, ठीक है। और तो बस इस आर्टिकल में हमारे लिए इतनी चीज़ें देखनी इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप बोलोगे तो मैं RCEP के ऊपर एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना के ले आऊँगा, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या है, क्यों है, कैसे है, इंडिया था, क्यों हट गया, क्या वापस जाएगा। तो यही सारी चीज़ें थी इस आर्टिकल में जानने के लिए, बुलाया जा रहा है, इंडिया जा नहीं रहा, इसे हमने यहाँ पे पढ़ा, तो बस इतना ही था इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।